पत्नी की याद में ऐसे कई लोग हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। शाहजहां ने मुमताज की याद में संगमरमर का ताजमहल बनवा दिया तो बिहार के दशरथ मांझी ने पत्नी की याद में पहाड़ खोदकर रास्ता निकाल दिया। ऐसा एक मामला सीधी जिले से सामने आ रहा है, जहां सीधी जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम पंचायत बरबंधा में है, जहां पत्नी की पानी की व्यवस्था को देखते हुए पति ने पहाड़ का सीना चीर कर कुआं खोद डाला। 3000 की आबादी वाले इस गांव में लोग अभी भी पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 40 वर्षीय हरि सिंह ने बताया कि पत्नी सियावती की पानी की परेशानियों को लेकर वो काफी चिंतित थे। उनकी पत्नी को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था और उनसे पत्नी की परेशानी देखी नहीं जाती है, जिसकी वजह से हरि सिंह ने चट्टानों से घिरे पहाड़ को खोदकर 20 फीट चौड़ा 60 फुट गहरा कुआं खोद डाला। हरि सिंह ने बताया कि थोड़ा बहुत पानी मिल गया है, लेकिन जब तक समुचित उपयोग के लिए पानी नहीं मिल जाता तब तक कुआं खोदने का कार्य लगातार जारी रखेंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान हरि सिंह ने बताया कि कुआं खोदने का काम वो पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। अब जाकर थोड़ा बहुत पानी मिल गया है, पर अभी भी कुएं की खुदाई का काम जारी है। पत्नी सियावती, 2 बच्चे और 1 बच्ची 3 वर्षों में उनकी मदद में लगे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने अपनी पत्नी की परेशानी को दूर कर दिया है। बातचीत के दौरान हरि सिंह ने बताया कि शुरू में काम बहुत कठिन लग रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा पत्थर खोदना था, मिट्टी की परत एक भी नहीं थी और ऐसे में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन मन मार कर बैठने की बजाय मन में हठधर्मिता को जागृत किया और संकल्प लिया कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, मैं यहाँ कुआं खोद कर ही सांस लूंगा। पंचायत प्रतिनिधि तथा सरकार चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन गरीबों तक उनकी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हरि सिंह गौड़ है। उन्होंने बताया कि मेरे पास 50 डिसमिल जमीन का पट्टा है, इसके बावजूद भी पंचायत कर्मी गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैंने कई बार उनसे सहायता मांगी, लेकिन किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिली और अंततः मैं ये कुआं खोदने के असंभव कार्य को संभव कर दिया। डाला भैया कुआं वाले रस्सी डाला, रुका रुका रस्सी नहीं डाली है। गड़ा केला तरफी हमारा नाम है हरि सिंह गौड़। भाई पानी का थोड़ा तकलीफ था तो 2 किलोमीटर की दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। तो भाई हमारे जो पत्नी है वो थोड़ा तबीयत डाउन या कि कैसा, तो दूर पानी जाने का भाई कष्ट तो हो रहा है, इसलिए हम भाई यहाँ पहाड़ तोड़ के और कुआं खोदने का कष्ट किए हैं। आज 3 साल से कुआं खोद रहे हैं और अब पानी मिलने का भाई संभावना है, मिल चुका है थोड़ बहुत, और इसमें लगभग करीब 1 महीना 2 महीना या 3 महीना कितना लग जा रहा है, पोरसा खोद रहा है, 2 पोरसा खोद जाए कितना में वो पानी मिल रहा है पीने का प्रॉफिट पानी। अभी तो भाई कम से कम तो 1-2 बाल्टी पानी है वर्तमान में, अधिक तो नहीं है अब, इसलिए मन प्रयास कर रहा है कि नहीं को पानी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। भाई 5 घर 10 घर का बस्ती है तो सभी को पानी तो भाई कष्ट है, यही है हमारा निवेदन। कौन सा गांव है ये? ये गांव तो बरबंधा है, ग्राम बरबंधा है। आपने यहां के सरपंच सचिव विधायक या किसी से कहा कि हमें पानी की उपलब्धता की जाए? जी ये तो हम कहा तो बोले कि भाई यहाँ ये फॉरेस्ट की जमीन है तो यहाँ नहीं हो पाएगा। कौन बोला? ये सरपंच बोला था। हम बोले कि देखिए यहाँ राजेश की जमीन है, हमारा पट्टा भी है, बहुत तो नहीं है, 50 डिसमिल पट्टा है, जंगल भी का पट्टा मिला है, पर कहें कि वो नहीं हो पाएगा, वो निरा जंगल में है। कौन बोला? सरपंच। सचिव यहाँ के क्या बोले? सचिव बोले कि हो गया, देखो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर रहे हैं, जब हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो क्या करें, हमारे बस की तो भाई नहीं है, शासन की चीज है। आपकी पत्नी क्या नाम है? सियावती। आगे? गौड़, सियावती सिंह गौड़। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 बच्चा है, 1 बच्ची है। कितने फीट आप खोद चुके होंगे?
हो गया लगभग 25 फीट तक खोदा होगा। इसमें है क्या, वो अपने से खोद रहे हैं कूप, है ना? असल में वो ज़मीन है फॉरेस्ट की, हम भी खुदवा सकते थे, है ना? इनके चाचा जी के नाम उस भूमि का पट्टा मिला था, है ना? वो पट्टा घूम गया है, और नहीं तो हम खुद TSAS करवा के, है ना, ये कूप खुदवा देते। इनको आश्वासन भी दिए थे। असल में है क्या कि जब TSAS होता है तो उसमें नक्शा खसरा है ना लगता है। यहाँ पर ग्रामीणों को पानी के लिए और क्या सुविधाएं क्या मुहैया कराएगी? और जगह जगह हैंड पंप हैं, है ना, कूप भी हैं। और है क्या कि बस्ती जो है यहाँ तो बिरल बस्ती है और पहाड़ी इलाका है, ज़मीन भी सबकी इधर उधर हैं, तो एक घर जैसे दूरी दूरी पे घर बना लेते हैं, है ना? तो थोड़ा सा इनको हर सुविधा दे पाना, है ना, अब कठिन होता है। हम यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हैं, मोहम्मद इस्लाम अंसारी, श्रीमती जहरुन्निसा, ग्राम पंचायत बरवंधा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।